a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज हम आपके लिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों से एक मुलाकात करवाते हैं और लगातार जो पूरे देश में और दुनिया में इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कोरोना वायरस की जो महामारी है वो इस समय जो लगातार फैलती जा रही है, इसके रोकथाम के लिए हमको सिर्फ बचाव ही उपचार है, यही एकमात्र इसका रास्ता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पिछले करीब 49 सालों से कनाडा में अपनी जो है काम कर रहे हैं, वहां पर भारत का जो परचम है वो लहरा रहे हैं और हमारे देश से, भारत से जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने आज करीब इतने सालों में वहां पर क्या कुछ किया, किस तरह भारत का नाम वहां पर रोशन किया, आज हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे देश में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसके बारे में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हेमंत एम शाह साहब, जो कि फाउंडर हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं फोग FOG कनाडा के। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी लाइव पर। दीपक जी, मैं आपका और आपके सब व्यूअर्स का खूब धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपने मौका दिया और मैं आपको मैं संबोध सकता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सबकी मातृभूमि भारत है, लेकिन मेरे लिए मेरी कर्मभूमि कनाडा बनी और कनाडा बनी आज 47-48 इयर्स के अगो, और वो ऐसे बनी कि स्ट्रेट बंबई का लड़का +35 से डायरेक्ट में -35 में आया। विनिपेग शहर है जो कनाडा में, मैनिटोबा जो स्टेट है, ऐसे जैसे आपका राजस्थान स्टेट है ऐसे हमारे विनिपेग का मैनिटोबा स्टेट है, वहां पे मैं लैंड हुआ और इतनी ठंडी थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऑलवेज अपने भारत के, बंबई का, के इंडिया के जो संस्कार है कि जैसे हम दूध में शक्कर मिलती है ऐसे हम मिल जाते हैं, ऐसे मैं 3 महीने में मिल गया और आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन कनाडा। मुझे सबसे पहले जब मैं पैदा हुआ था एक बिजनेस फैमिली में बॉम्बे में, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े गम के एक्सपोर्टर थे और गम की बात याद आती है तो मुझे राजस्थान याद आता है कि माय फादर वाज द फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ गम बुआर फ्रॉम राजस्थान। जब पिलानी में इन्होंने प्लांट डाला जब बिरला जी के साथ 1963-64 में गम गुआर का, तब राजस्थान आना होता था तो वो गम गुआर भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया। तो ट्रेडिंग फैमिली में मेरी एक परवरिश हुई थी, बड़े हुए थे और वो इस संस्कार थोड़े बिजनेस के मिले थे। लेकिन मेरे लिए 180 डिग्रीज की बात ये थी कि मैंने कभी मेरे फादर के साथ बिजनेस में काम नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि यू नो टिपिकल राजस्थानी के, गुजराती के, कच्ची फैमिली, ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस होता है। उन्होंने मुझे मुंह पे कह दिया था कि अगर हमारे वहां तुमने काम किया, बिजनेस किया, तो तू कभी सीखेगा नहीं, सो यू गो एंड फाइंड योर जॉब, बाहर जाके अपना जॉब ढूंढो, अपना सीखो। सो दैट व्हाट आई डिड। लकीनी मॉर्निंग कॉलेज की वो जमाने में, एंड आई हैव आल्सो, जो मेरी सद्भाग्य था, जो मेरी कॉलेज थी भारतीय भवन, KM मुंशी, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, और मुझे अभी भी याद है मैंने KM मुंशी को वहां पे कॉलेज में आते थे तब देखा था, उनके पैर छूते थे। तो KM मुंशी की कॉलेज में जाता था मॉर्निंग में और 10 बजे के बाद टाइम फ्री रहता था। तब मैंने और जॉब पकड़ा और मुझे सबसे पहले जॉब मिला शशांक लालचंद के पास, जो वालचंद हीराचंद जो फियाट कंपनी के मालिक है उनका बेटा। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई कि मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन आया, मुझे अपना जॉब करके मुझे लगा कि मैं आई कैन डू समथिंग, और तब मुझे कनाडा आने का मौका मिला कि मेरे भाई लोग वहां थे। और जब कनाडा आया तब मैंने और जॉब चालू किए और मुझे बोलने में जो भी शर्म नहीं है, मैंने वहां होटल में डिशेस भी धोई, मैंने फिर पार्किंग अटेंडेंट में काम किया,
लेकिन वहां जब मैं काम करते मैंने सोचा कि भाई मेरी एक कर्म भूमि है कनाडा, और मातृभूमि का मैं कैसे क्या करूं कि इन लोग का जुड़ाव बढ़े। और तब भारत में इंपोर्ट लाइसेंस राज था, भारत में हम कुछ भी इंपोर्ट करते थे तो 150-200% ड्यूटी का मामला था, और कनाडा में ये था कि कनाडा में एवरीबॉडी वांटेड अ गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट वर लुकिंग एट चाइना एंड हांगकांग, इंडिया में इनको इंटरेस्ट कम था। तो लकीली हम कहे ना कि जो पार्किंग लॉट में मैं काम करता था एज अटेंडेंट, वो हार्ट ऑफ डाउनटाउन में था, और वहां पे जो गवर्नमेंट की सब ऑफिस थी वो सब वहां पे ही गाड़ी पार्क करते थे। और अभी आपको क्या कहे, अपन इंडियन तो छोटी सी उंगली थी, सबने नेटवर्क बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाने लगा। जाने लगे के बाद, जानने के बाद उनको पूरी इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात की, सब कुछ बात किया, उनको ट्रेन किया, और तब एक गवर्नमेंट के बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कंपनी के पास ले गए, जो कंपनी इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी लेकिन 5 साल से उनका बिजनेस नहीं हो रहा था, उधर ले गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बना दी थी। और तब एक बहुत बड़ा टेंडर इंडिया में आया, और वो कंपनी ने मुझे बोला अगर आप ये टेंडर ले जाओ और वो टेंडर अगर हमें मिल जाता है तो यू विल वर्क विद अस। अभी वो जमाना था। इतना जानना चाहता हूं कि मुंबई से जो आपकी कर्म यात्रा है वो कनाडा में जाकर ही क्यों रुकी, और पूरे विश्व में इतने देश थे, वहां आप वहां पर भी जा सकते थे लेकिन कनाडा ही क्यों? एक बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पिताजी का जो बिजनेस था वो पूरे विश्व में था, तब इनकी ऑफिस न्यूयॉर्क और लंदन में, तो उनकी खुद की ऑफिस भी थी, लेकिन मैं कनाडा पहुंचा ऐसे कि मेरे दोनों बड़े भाई वहां कनाडा में थे। तो सबसे बड़े भाई वो डॉक्टर थे, ही माइग्रेटेड इन 1959-1960, और दूसरे भाई, तो दूसरा ये था कि मैं गया था कनाडा में फ्लूक से गया था, जब पहली बार गया था मैं गया था पिताजी के बिजनेस के लिए न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क बिजनेस में मुझे भेजा था और मुझे कुछ नेगोशिएट करना था, और वहां से पिताजी ने, तब टेलेक्स हुआ करते थे, हमारी ऑफिस को भेजा था कि भाई इसको विनीपेग की टिकट लेके दे, ये विनीपेग चला जाए यानी कनाडा। तो ऐसे में पहली बार पहुंचा था, और पहली बार पहुंचने के बाद जब मैं कनाडा बॉर्डर सर्विस वहां पे जब मैं उतरा, तब मुझे जो वीजा दिया गया वो ऑन अराइवल दिया गया, और वहां का जो ग्रीन कार्ड बोलते हैं वो मुझे ग्रीन कार्ड उन्होंने दे दिया था, तो ऐसे में विनीपेग पहुंचा। जी जी जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपने कर्म से अपने देश का और अपनी संस्था का जो नाम है वो रोशन करते रहें। यहां पर अभी जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए आप कनाडा में किस तरह लॉकडाउन है, वहां पर सरकार ने किस तरह काम किया, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, और लगातार क्योंकि आप व्यवसायी हैं, घर में नहीं बैठते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दीपक जी, मैं कहूंगा मैं कोविड-19 कोरोना, मैं अभी हम लोग इंडिया में ही थे, मैं अभी 15 मार्च को ही यानी 15 दिन आगे ही मैं भारत से निकल के यहाँ कर्मभूमि कनाडा में आया हूं, क्योंकि मुझे नहीं निकलना था, लेकिन तब हमारे कनाडा की सरकार ने और सबने जो कैनेडियन सिटीजन है उनको बोला गया कि भाई हम आपको कुछ काम नहीं है तो आप निकल जाइए, यू डोंट स्टे हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हम 15 मार्च को, जब मैं थोड़ा विस्तार में कहूंगा होल सिचुएशन कोरोना को हमने क्या देखा, तो जब 15 मार्च को हम कनाडा में उतरे तब कनाडा के एयरपोर्ट जो टोरंटो का लेस्टर बी पियर्सन एयरपोर्ट है वहां पे हमें हेल्थ ऑफिशियल मिले, हमारे कैनेडियन बॉर्डर सर्विस के आदमी मिले, हमको पूछा आप कहां से आए, क्या है आपको सिम्टम है नहीं है, दे आस्क द क्वेश्चन, आंसर फॉर्म दिया गया, इमिग्रेशन हुआ, लेकिन तब हमारे से एक प्रॉमिस ली गई कि आप मेहरबानी करके उतर रहे तो आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाइए, आपको सेल्फ क्वारंटीन सेल्फ आइसोलेटेड बनना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं है लेकिन ये आपकी सेफ्टी आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। तो हम वहां टोरंटो से विनीपेग आ गए, हम सेल्फ आइसोलेटेड हुए, और आजकल यही उपचार है, और आज का एक दूसरा दिन है कि फर्स्ट आफ्टर 15 डेज आई एम टॉकिंग टू द मीडिया, और लकीली आई एम टॉकिंग टू दीपक गोस्वामी जी के साथ बात कर रहा हूं मैं। तो सेल्फ आइसोलेटेड का ये था कि
जैसे मैं दुनिया भर में घूमा, घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूं। एक बहुत दिक्कत हुई पहले, मैं मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे पोते पोतियां, मैं किसको मिल नहीं पा रहा था, यहाँ होते हुए मेरे बाजू में होते हुए बिल्डिंग में, जी जी, दिल को बुरा लगता था। लेकिन मैंने तब सोचा, एक नागरिक कनाडा का होने से मेरा कर्तव्य है कि मेरी सरकार ने जो कहा है क्यों कहा है, मेरी सेफ्टी के लिए नहीं, मेरी सेफ्टी के लिए नहीं कहा, मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए है, मेरी कम्युनिटी के लिए सेफ्टी की है, मेरे पड़ोसी के लिए है। अगर एक कोरोना जो COVID-19 का जो वायरस है वो इतना इन्फेक्टेड है कि एक एक हाथ से दूसरे हाथ में जल्दी चला जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि आप घर में रहो, घर में रह के कंटिन्यूस हाथ धो, गरम ज्यादा हो के यू नो यू टेक हॉट वाटर, हॉट वाटर ग्रीन टी, और दैट्स अ रीजन मैं घर में रहा। और अभी भी मैं पहले दिन कल गया, बस मैं 10 मिनट के लिए बाहर गया, मैं वापस घर में ही हूं। और मैं इतना कहना चाहूंगा इस बारे में, यहाँ पे हमारे कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो वो एवरीडे हमें अपडेट देते हैं, एवरीडे हम, उनकी खुद की वाइफ एक कोविड की विक्टिम बनी थी, पेशेंट थी, एवरीडे इज अ विक्टिम, इज रिक्वेस्टिंग ऑल द कैनेडियन सिटीजन टू कम एंड हेल्प हिम, इसमें आपको ये करना चाहिए। हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हम बोलते हैं, हम प्रीमियर बोलते हैं, ब्रायन पैलेस्टर, यानी हमें अपडेट, गवर्नमेंट है इज गिविंग लॉट्स ऑफ अपडेट, और गवर्नमेंट हमें कंटिन्यूसली हमें बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं हमारे जो सिटी लाइव के दर्शक इस समय देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कनाडा में बैठे जो भारतीय मूल के हेमंत एम शाह साहब हैं, वो इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद भी सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं और खुद के और अपने परिवार के लिए वो घरों के अंदर बैठे हैं। हमारे देश में भी जो भारत में इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा कि हम कल परसों भी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो भी अपने घर के अंदर ही बैठे हैं और घर के अंदर बैठकर ही परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि वही सच्चे देशभक्त हैं, वही अपने परिवार का ख्याल रखने वाले लोग हैं जो इस समय इस महामारी में अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड वाइड एक स्लाइड हमने तैयार की है जिसमें कितने कोरोना के कहां कहां जो है लोग हैं वो स्लाइड दिखाएं, उसके बाद हम शाह साहब से और चर्चा करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी जो महामारी इस समय पूरे विश्व में फैल रही है। और सभी को ये निवेदन है, ये देखिए स्लाइड हमारे सामने है जिसमें करीब 950,713 जो हमारे पास अब तक आंकड़े जो हमारे सूत्रों के अनुसार मिले हैं वो जो है वर्ल्ड वाइड दिख रहे हैं, और साथ ही अब तक जो डेथ हो चुकी जो कि बहुत ही दुखदायक है, 48,313 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और अच्छी बात यह है कि रिकवरी जो है वो करीब 202,826 लोगों की हो चुकी है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड की अभी तक का जो सीनियरियो हमारे सामने है वो नजर आ रहा है, और ये देखिए अलग अलग देशों में किस तरह कितने कितने COVID-19 के जो मरीज हैं वो नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही भयानक, ये किसी भी जाति या किसी भी धर्म को देखकर नहीं आती है, किसी भी मजहब को देखकर नहीं आती है, ये किसी पर भी लागू हो सकती है। तो हम एक बार फिर सिटी लाइव के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे पूरे देश से और पूरी दुनिया से, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो पुरातन सनातन संस्कृति है हमारी, वो हमें यही शिक्षा देती है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है, एक कुटुंब की तरह है, उन्हें ख्याल रखना चाहिए, अपना भी, अपने परिवार का भी और पूरे देश का। हेमंत जी, हम आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या आप परिवार के साथ खाना भी बनाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, किस तरह आपकी दिनचर्या रहती है? सर दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं और मेरी धर्म पत्नी साथ में है, लेकिन देखिए क्या है, कनाडा में हम लोग ऐसे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यहाँ पे मेड मिलती है, यानी नौकरानी मिलती है, लेकिन हम लोग ने आज तक मेड रखा नहीं है, इसलिए हमें जो अभी इंडिया में जो देखा था हमने सिचुएशन हमारी खुद की अलग थी, लेकिन अभी यहाँ पे वी डू अवर, हमारा खुद का काम हम खुद कर लेते हैं, हम टीवी देख लेते हैं, थोड़ा अपना अभी सत्संग कर लेते हैं भगवान का, थोड़ा हमारे हम लोग जैन है तो जैन धर्म का थोड़ा बुक्स पढ़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, बाकी टीवी देख लेते हैं, लेकिन पूरा दिन क्या है कि कोविड-19 कोरोना की अपडेट इतनी आती है, तो
तो अपडेट देखने में भी टाइम चला जाता है, और आप जैसे मीडिया के पुराने दोस्त हैं उनसे भी हर रोज व्हाट्सएप पे रात को 1-2 बजे तक बात रहती है, व्यूज एक्सचेंज करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन की बात की है 21 डेज की, मैं समझता हूं कोई इजी नहीं है, जो काम करने वाला आदमी है उसको घर में बैठना, लेकिन हमें मेरे भारतीय भाई और बहन और जितने सिविलाइज एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं उनको मेरा एक संदेश आपके माध्यम के थ्रू है, उन्होंने कुछ समझ के हमें 21 डेज का लॉकडाउन दिया है जी। आज हम कनाडा में जब उतरे तब 600 केसेस थी, 8,000 केसेस हुई है, और मैं खास करके यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, डोंट थिंक कोविड इज अ जोक, डोंट थिंक कोरोना इज अ जोक। आप आज अमेरिका में देखिए, न्यूयॉर्क में देर इज अ 40,000 केसेस, यूएस इज अ सुपर पावर, आज न्यूयॉर्क में आप देखिए क्या हुआ है, दे आर एस्टिमेटिंग 200,000 2 लाख डेथ का एस्टिमेट कर रही है, कल मिस्टर ट्रंप टीवी पे आके लाइव बोल रहे थे। तो जो मोदी साहब ने हमें कहा है हम घर पे रहे, मैं आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूं यंग बच्चे टेरेस पे चले जा रहे हैं, अरे वो तो कह रहे हैं आप ग्रुप में ही मत रहो, क्योंकि ये जो कंटेजियस वायरस है ग्रुप में ही घूमता है और राउंड राउंड करता है। तो मीडिया के माध्यम से, दीपक गोस्वामी जी के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों और बहनों को भारत में कि इसको सीरियसली लीजिए। आज हम कनाडा में भी सीरियसली ले रहे हैं, हमको बोला गया है कि अननेसेसरी ट्रैवल मत करो, जरूरत नहीं है सर, एक बार हमें बैठना है। और मैं चाहता हूं कि भारत के कनाडा के सिटीजन नागरिक होने से हमारा कर्तव्य है हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी कर्म भूमि के लिए, कि हमारी सरकार ने कुछ किया है तो हम घर पे बैठे, कुछ वजह से बोला होगा, क्योंकि अगर जी निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें हमारे सरकार के आदेश की पालना करनी चाहिए, और हमें एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर हेमंत जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए आज पूरा विश्व जो है हाथ नहीं मिला रहा है, एक दूसरे से गले नहीं मिल रहा है, हम आज नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और पूरा विश्व जो है वो हमारी परंपरा को निभा रहा है, उसका निर्वहन कर रहा है। तो आप हमारी जो सनातन परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं कनाडा में बैठकर? सबसे पहले तो आपने मेरे दिल की बात छू ली, क्योंकि हम लोग जैन ही है, वी आर जैन बाय बॉर्न, वी आर जैन, जैन कुल में जन्म हुआ है, जैन में हम लोग मोमबत्ती रखते हैं, हम हमारे प्रतिक्रमण सामायिक करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो दुनिया से अलग रहते हैं हर रोज दिन में 3, कई जो पक्के जैन होते हैं वो 5 सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं। तो हम सही बात मानते हैं कि जैन हो के हिंदू हो, कोई भी अपना धर्म हो, हम वी आर 5,000 ईयर सिविलाइजेशन भारत की, हम आर्य संस्कृति सनातन धर्म पे हम टिके हुए हैं, और हमारी ये जो धर्मों की, मैं तो बोलता हूं ये तो देवी देवताओं की भूमि और संतों की भूमि है हमारी भारत, और हमारी भारत में रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे दिनचर्या की काम आती है, हम दिनचर्या दिन में 1-2 घंटा हमारा जैन धर्म का टीवी लगा के पुस्तक पढ़ के हमारा टाइम करते हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि भाई अपने पास आप टाइम मिला है, आज बंबई के, आज पूरे इंडिया में इतनी भागम दौड़ी होती है, काम का इतना बॉदरेशन होता है, ऐसा टाइम आपको कहां मिलेगा? यू वी आर द लकीएस्ट पर्सन दैट वी हैव अ टाइम, आपको फैमिली के टाइम साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीबी, अपने अगर माता पिता है उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम स्पेंड करने के साथ कुछ धर्म की भी चर्चा करें। मैंने अभी अभी देखा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने पुरानी रामायण और महाभारत की टीवी सीरियलें चालू कर दी हैं, लेकिन अगर अपने पास अगर कुछ बुक्स हो, जो भी अपना धर्म हो, अपना मजहब हो, उसको आप पढ़े, लिखे, चर्चा करें, शायद अपने बच्चे जो छोटे उनको समझाएं अपनी आर्य संस्कृति, ये आपके पास बहुत वैल्यूएबल टाइम मिला है कि हम बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, तो उसका उपयोग करिए। मैं बोलता हूं अनलकीली मैं मेरे पोते पोती को नहीं देख सकता हूं बिकॉज आई एम सेल्फ आइसोलेटेड, मैं ऐसे ही सोशल मीडिया के बात करता हूं, मैं कल ही 10 मिनट के लिए मिला था, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा है वो भी आप डिस्टेंस रखें,
जी क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी लग सकता है, तो डिस्टेंस रखें, तो हम वो सेफ्टी के हिसाब से सेल्फ आइसोलेटेड और 15 दिन रहेंगे। बिल्कुल 15 दिन के अंदर। हेमंत जी हमें ये भी लगता है कि अगर हम हमारे अध्यात्म की ओर जाते हैं, हम हमारी परंपराओं की ओर जाते हैं, हम हमारे ईश्वर की आराधना करते हैं, वो किसी भी समाज के ईश्वर हो सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम हमारे ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी जो सेल्फ एनर्जी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है शरीर की, उसमें कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट मिलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपने बहुत सही बात बोली। कोई भी धर्म हो के कोई भी मजहब हो, जब आप धर्म का जब करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अपने मजहब की बात करते हैं, तब क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखिए, अगर आप मुरारी बापू को सुनिए कि हमारे जैन के आचार्य है गच्छाधिपति युग भूषण सूरी जी महाराज, पंडित महाराज जो अभी गच्छाधिपति बने, उनकी जब वाचना सुनिए कि जब उनकी वाचना सुनने से आपको पॉजिटिविटी आती है और वो पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में जाती है। तो अगर एक कोरोना हो के कोविड हो के दूसरा भी कोई हो, उसके सामने लड़ने की क्षमता बॉडी को ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी से आदमी पॉजिटिव सुनता है। यानी हम धर्म के कोई भी धर्म का कितने संत महात्मा है, उनकी आजकल वीडियो मिलती है, यूट्यूब लिंक मिलती है, या तो बुक मिलती है। अभी मेरा जैसा आदमी, आई डोंट लाइक टू रीड द बुक क्योंकि आई गेट बोर, तो ऐसे भी मेरे जैसे कई मेरे भाई बहन हो गए या कनाडा में इंडिया में, तो वीडियो देखिए आप, और वीडियो देख के यू नो यू गेट अ पॉजिटिव एनर्जी। और हो सके तो 10 मिनट ध्यान करिए, लीव द मोबाइल फोन। मैं सही एक बात बोलूंगा, क्योंकि अभी भी कोविड में we are talking quite a bit on a WhatsApp and everything, वो एक ही न्यूज 10 बार घूम रहे हैं सब डिफरेंट ग्रुपों में। 15 मिनट वो मोबाइल को बंद कर दीजिए, 15 मिनट बैठ जाइए, जो भी धर्म है कि जो भी कुछ नहीं है तो एकदम शांत बैठ जाइए 15 मिनट और ध्यान करिए, यू विल सी द डिफरेंस इन योर माइंड, डिफरेंस इन योर बॉडी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि इतनी 15 मिनट हम इससे दूर रहे, आप ध्यान धर रहे हैं 15 मिनट वो करें। बिल्कुल हेमंत जी, आपका कहना सही है कि हम दिन में थोड़ी देर के लिए, चाहे 15 मिनट हो चाहे आधे घंटे हो, अपने मोबाइल से दूरी बना लें और अपने परिवार के साथ करीबी बना लें, उनकी घर वालों की बात सुने, अपनी पत्नी की बात सुने, अपने पति की बात सुने, अपने बच्चों की बात सुने और अपने पिताजी या अपनी माताजी की बात सुने, तो निश्चित रूप से आपको बहुत से फायदे जो है वो मिलेंगे और आपके एक एनर्जी लेवल जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हेमंत जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि आप कनाडा में बैठे हैं, हम लोग इस समय भारत में, और मैं जयपुर में बैठा हुआ हूँ, तो हमारी जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है, वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है अपनी सुविधाओं में, चाहे मेडिकल में, चाहे हॉस्पिटलिटी में, किसी भी तरह की सुविधा में वो कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग जो है वो घरों से बाहर आ रहे हैं, वो सरकार का या राज्य सरकार का केंद्र सरकार के आदेशों की पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। कनाडा में मेडिकल को लेकर किस तरह की स्थिति है, वहां पर लोग किस तरह सरकार के आदेश की पालना को देख रहे हैं? सी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि कनाडा में जो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, एवरीडे अपडेट देते हैं, लेकिन कनाडा की जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है विच इज पेड बाय टैक्स पेयर्स मीन इट्स कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। हमारी हेल्थ सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कंट्रोल करती है, यानी एवरीथिंग, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय देम। और मैं इतना कहूंगा कि कनाडा की सरकार ने एज सून एज जो हुआ है बहुत फंडिंग अनाउंस कर दिया है, जो लास्ट वीक इन्होंने 82 बिलियन कैनेडियन डॉलर फंडिंग अनाउंस किया, क्योंकि ये जो COVID-19 होने से इन्होंने रिक्वेस्ट सबको किया है कि घर पे बैठो। दूसरा, जो नॉन एसेंशियल सर्विस थी सब बंद हो गई है, नो रेस्टोरेंट के, अभी एयरलाइन भी बहुत कम हो गई, यानी सब सबका जॉब चला गया है। तो उसको एसिस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत फंडिंग दी है कि आपका आपको हमारे वहां अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उन्होंने दिया है। तो सरकार का भी कहना है कि आपके अगर असेंशियल है तो आप बाहर जाइए, नॉन असेंशियल आप घर में बैठिए, एंड दैट्स व्हाट ही सजेस्टिंग, और वो सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल बहुत हो रहा है।
90% पीपल घर पे है, जो 10% पर्सन जो नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए मैं जयपुर के व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने फाइन इम्पोज किया है। अगर किसने, अगर आप आइसोलेशन पीरियड में है और वो आइसोलेशन पीरियड में से बाहर निकले और गवर्नमेंट के पास जो इन्होंने नई ट्रैकिंग चालू की है, इफ यू आर कॉट, कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना है और 6 महीने की जेल है। मैं हेमंत जी यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह लगातार हम भी लॉकडाउन में हैं, आप भी लॉकडाउन में सभी घरों पर है, तो एक हमें अपनी मौत का जो भय है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसलिए सारे लोग अपने घरों के अंदर हैं। इसके कारण कई फायदे भी हुए हैं, क्योंकि प्रदूषण की जो स्थिति थी वो लगातार हमारे देश में बढ़ रही थी, बाहर जाने में श्वास की प्रॉब्लम लगातार हो रही थी, लेकिन अब जो है वो प्रदूषण भी कहीं ना कहीं छट गया है, लगातार जो अपराध हो रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, तो ये भय तो होना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह की महामारी फैले, पूरे विश्व में इस तरह की महामारी कभी भी नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन एक डर जो है, एक खौफ है, वो हमारे दिलों में होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि जो लगातार इस तरह की बीमारियां? जी दीपक जी, मैं अभी मैं 2 दिन आगे एक वीडियो देख रहा था जो इटली की टीवी चैनल ने किया था, उसने उसमें एक चीज उसने बताई है कि इटली में जो महामारी हुई है बहुत बड़ी हुई है, लेकिन नॉट ट्रेजेडी है, लेकिन वहां का जो वेनिस का दरिया था वहां डॉल्फिन नहीं आती थी। अभी ये जो प्रदूषण आपने बोला, पोल्यूशन चला गया तो वहां डॉल्फिन आने लगी जी। आज जो आपने जो सवाल उठाया है, जो ये पोल्यूशन, हम प्रकृति के साथ, हम इंसानों ने ही खेला है, ये जो आया है 50% हम इंसान, वी आर टू बी ब्लेम, हमें ब्लेम होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ खेले। आप भारत में ही देखें, आज मिजोरम, आसाम, नागालैंड में कितने केसेस हैं जी, 3 के 4 केसेस निकले, क्यों? वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन है, वहां पे ना जंगल काटे गए, ऑक्सीजन कंप्लीट, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन आ रहा है। आज हम बड़े बड़े शहर में जाते हैं, हमारे पास जो ग्रीन जंगल थे, झाड़ियां थी, सब हमने काट दी, तो ऑक्सीजन मिलने की। बिल्कुल हेमंत जी, निश्चित तौर पर हम हमारे दर्शकों को यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि इस महामारी से हमको युद्ध लड़ना है और इसको हराना है, और जब हम इसको पूरी तरह से हरा देंगे उसके बाद हमको भी ये सोचना है कि हमको महीने में कम से कम 2 से 3 दिन अपने घरों में ही रहना है, ताकि पॉल्यूशन ना हो, अपराध ना बढ़े और दूसरी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना हो, जिससे कि हमारे देश का और पूरी दुनिया का जो वातावरण है वो बेहतर हो। यहाँ पर हेमंत जी मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, इस समय कनाडा का जो माहौल है बाहर का, वो किस तरह से है, क्या आप हमको दिखा सकते हैं किस तरह अभी इस समय कैसा माहौल है? कनाडा का माहौल है, मैं विनिपेग में बैठा हूं, अभी वहां स्नो पड़ रहा है। मैं मेरा फोन थोड़ा आपको मेरे घर से जाके मैं स्नो में आपको ले जाता हूं। ये देखिए, मैं आपको ये स्नो देख सकते हैं आप, स्नोइंग हो रहा है, मैं यहाँ पे ये देखिए स्नो हो रहा है, इट्स अ स्नो ब्लीजर्ड। ये बोलते हैं हमारे कनाडा में स्पेशली मार्च महीना में, मार्च नहीं तो अप्रैल में आखिर में, जब ये समर आता है, गर्मी आती है उसके पहले एक स्नो आता है, तो आप ये देख लीजिए स्नो, मेरे ख्याल से स्नो देखें। हाँ जी सर, क्या होगा कि अभी हम लोग सब कोविड 19 कर रहे हैं, तो हमारे मेरे भाई बहन जयपुर में भी थोड़ा कोविड को भूल जाए और कनाडा का स्नो देख ले। ये देखिए मेरे घर के पीछे से मैं स्नो बता रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वहां सामने देखिए, सामने गैस स्टेशन है, देखिए पूरा गैस स्टेशन है, घर है, ये देखिए नीचे थोड़ा कितना स्नो पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूं, तो ये स्नो है। तो सर हमने स्नो भी देख लिया, हेमंत जी वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
मैं अब मेरे भाई और बहनों को इंडिया के, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश आप सब मान रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन रहना कोई इजी नहीं है, मैं इसमें से गुजरा हुआ और वापस गुजरूंगा कल से, क्योंकि मैं खाली 48 आवर्स के लिए बाहर आया हूं। तो मैं यही कहता हूं, थोड़ा पेशेंट रखिए। और मेरा खास मैसेज है हमारे यंग एजुकेटेड सिविलाइज यंगस्टर्स के लिए, डोंट थिंक दे जोक है, कोविड 19 जोक नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, नहीं। मेहरबानी करके अगर आपको कुछ हो गया, आपकी फैमिली को होगा, फैमिली पड़ोसी में ले जाएगी और पड़ोस ले जाएंगे कम्युनिटी में, तो एक पैंडेमिक चालू हो जाएगा। तो मेहरबानी करके मैं तहे दिल से सबको गुजारिश करता हूं कि घर में लॉकडाउन रहिए। देखिए कनाडा में हम लोग लॉकडाउन है, हम डिसिप्लिन है। और देखिए मैं, अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि इनके वहां इतना ट्रेजेडी होगा। आज उन लोग के पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है। इसलिए मेरी सबसे तहे दिल से गुजारिश है दीपक गोस्वामी जी के लाइव मीडिया के माध्यम से, प्लीज प्लीज स्टे होम, बी सेफ, एंड जय भारत, जय कनाडा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हेमंत शाह जी जो सीधे कनाडा से हमारे साथ जुड़े थे, सिटी लाइव से जुड़े थे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल सर। टू शेयरिंग योर City Live.